है उसको लेके और क्या पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा। ये एनआरएसपी का एक बहुत बड़ा सपना था कि हम अपना खुद का भवन शुरू करें, वो नारायण की कृपा से वो आज भवन का उद्घाटन है। और आज दीदी यहाँ मौजूद है, पिछले 27 सालों से दीदी अनवरत निरंतर प्रार्थनाओं के माध्यम से लोगों की सेवा कार्य कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश में दीदी के अनुयायी हैं और उन सब की विश से आज ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दिन भर अनवरत राम राम की माला चलती रहेंगी, दीदी यहाँ मौजूद रहेंगी, यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है और सभी यहाँ आएंगे, अपना ब्लेसिंग देंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और दीदी की ब्लेसिंग। नारायण रेखी संसंग परिवार जो है वो किस प्रकार से काम करता है और क्या उसका उद्देश्य है उसके बारे में? नारायण रेखी संसंग परिवार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख शांति समृद्धि हो और हर व्यक्ति उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करे। अगर ऐसी दुनिया बन जाती है, हमारा उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाने का है जहाँ हर व्यक्ति संबंधों से, तन से, मन से, धन से, संबंधों से स्वस्थ, और उसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं। संपूर्ण विश्व में हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंडिया में हमारे 70 से भी अधिक सेंटर हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में भी हमारे सेंटर्स हैं जहाँ हमारी साधना है, निरंतर प्रार्थना जल के माध्यम से छोटे कार्य करते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज भी होते हैं जिसमें हम अपनी टेक्निक सिखाते हैं कि किन टेक्निक के माध्यम से आप पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिविटी के माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का पूरा कार्यक्रम क्या क्या है? आज के पूरे कार्यक्रम में जैसे अभी आपने देखा इनॉग्रेशन हुआ, इसके बाद पूरे दिन एक एक घंटे पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, निरंतर जब राम नाम का जाप है और साथ में भोजन प्रसादी की व्यवस्था है सुबह से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे, जहाँ लोग दीदी का आशीर्वाद भी लेंगे और दीदी भी लोगों की ब्लेसिंग्स देंगे। आपने देखा होगा दीदी बहुत ही विनम्र हैं और उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके लोगों का आशीर्वाद। धन्यवाद। नारायण नारायण।